लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। देखो यमराज भाई, समझने की कोशिश करो। यमराज जी ने भी तुमसे कहा है स्पेशल केयर लेने के लिए मेरे बारे में। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? मनुष्य, मेरे ख्याल से शायद यही वो जगह है जहां तुम्हारा खून हुआ था। शायद नहीं, बल्कि यही वो जगह है जहां मेरा खून हुआ था। वो देखो जरा, वो देखो, मेरे खून के धब्बे अभी तक है वहां। मगर तुम्हारा मृत शरीर गया कहां? कहां गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि शरीर गया कहां। अच्छा सुनो यार, तुम अपनी स्पेशल शक्ति से ये पता करने की कोशिश करो ना कि मेरा शरीर कहाँ। तुम्हारे पास तो कोई पावर होगी। मुझ में अभी वो शक्ति नहीं आई है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे 3 साल का योग करना पड़ेगा। तुम निहायत ही आलसी और गैर जिम्मेदाराना आदमी हो। अपने काम को बिल्कुल ठीक से नहीं देखते हो। इसलिए मुझे लगता है कि 3 साल नहीं बल्कि 9 साल लगेंगे तुम्हें वहां तक पहुंचने में। क्या? मगर महाराज तो कह रहे थे कि मुझे और 100 साल लगेंगे। शायद महाराज ही ठीक कह रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और ये पता करने की कोशिश करो कि मेरा शरीर कहाँ है। मनुष्य, मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर वही महिला लेके चली गई होगी। कौन सी महिला? वही जिसने तुम पे गोली चलाई थी। ना 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 ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रेंचो के रहते किसी की हिम्मत जो मेरे शरीर को हाथ लगा दे। मुझे क्या लगता है कि रेंचो ही मेरा शरीर लेकर गया होगा। तो हमें रेंचो को ढूंढना होगा। रेंचो इस वक्त कहाँ होगा? रेंचो, रेंचो, मुझे लग रहा है कि रेंचो शायद मुझे देख पा रहा है। हाँ रेंचो, रेंचो। मनुष्य, हाँ, जानवरों में भगवान ने वो शक्ति दी है कि वो आत्मा को देख सकते हैं और उनकी आवाज सुन सकते हैं। अच्छा रेंचो, मेरे दोस्त, देख, मैं अभी आत्मरूप हूँ। समझ रहा है ना? आत्मरूप हूं, इसलिए तुझे अपनी गोद में नहीं उठा सकता हूं। पर ना जाने मेरा शरीर कहां चला गया, तुझे मालूम है रेंचो? मुझे तो लगता है यार, मेरा शरीर वो औरत ही ले गई, चित्रा। अच्छा रेंचो, तू एक काम करना, तू मेरे शरीर को ढूंढने की कोशिश कर। देख, जितनी जल्दी मेरा शरीर मिल जाएगा ना, उतनी जल्दी ये आत्मा उस शरीर में चली जाएगी और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। हाँ समझ गया ना? चल जा, शाबाश। यही वो लड़की है जिसने गोली मारकर मेरी हत्या की थी। मनुष्य, मुझे सब पता है। जिस वक्त ये तुम्हें गोली मार रही थी तो मैं वही बैठा था तुम्हारी जान लेने के लिए। तुम आहिस्ता नहीं बोल सकते, अगर उसने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। अरे मनुष्य, ना इस वक्त हमारी बातें कोई सुन सकता है, ना कोई हमें देख सकता है। तो फिर चिल्लाओ। एक मिनट, इस बार इसका फोन जरूर लग जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि ये शीला मौसी को फोन कर रही है। मगर ये शीला मौसी है कौन? शीला मौसी, मुझे लगता है उसी ने मेरा खून करवाया है। लेकिन
इनकी बातचीत से हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि मेरा मृत शरीर आखिर है कहां। हेलो सर, मैं चित्रा बोल रही हूँ। सर, इसका मतलब है कि इस साजिश में कोई आदमी भी है। आखिर कौन हो सकता है वो मर्द? राजा ने मुझे उस खून का चश्मदीद गवाह समझकर मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसके जिस्म में पूरी 3 गोलियां उतार दी और उसका काम तमाम कर दिया। अरे एक बार मेरी आत्मा को शरीर से मिल जाने दे, फिर देख मैं तेरा कैसे काम तमाम करता हूँ, देख। लेकिन इन सब में गड़बड़ हो गई। राजा की लाश को तो कोई और लेकर चला गया। अगर कौन लेकर चला गया राजा तुम्हारी लाश को? वही तो ढूंढना है कि कहाँ चला गया मेरा अमृत शरीर। हाँ, मुझे भी वही लगता है। अब उस काम के लिए मैं शीला जी के पास अभी फौरन इसी वक्त जाती हूँ। भाई, इससे पहले कि ये वहां पहुंचे, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। जल्दी चलो, शायद वही तुम्हारा लाश मिल जाए। हाँ, आ जाओ। यमदूत जी, ये है शीला मौसी। मुझे तो लगता है कि पैसे की लालच में इन्होंने ही अविनाश भैया की हत्या करवा दी है। हाँ। अविनाश, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब राजा तुम्हारे कातिल को फांसी के तख्ते पर लटका देगा। अरे, इसका मतलब मौसी को कुछ नहीं मालूम, ये बेगुनाह है। फिर ये भोली भाली मासूम से दिखने वाली लड़की चित्रा किसके कहने पर ये सारा खूनी खेल खेल रही है? शीला जी, चित्रा, राजा कहाँ है? मिस्टर राजा तो अपनी पूरी ताकत के साथ आपके अविनाश के कातिल को ढूंढने में जुटे हुए हैं। झूठ, एकदम झूठ। इस लड़की ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि मुझे अपने भरोसे में लेकर मेरी जान ले ली। मौसी, इधर देखो। मैं तुम्हारे राजा की आत्मा यहाँ खड़ी है। मेरी बात सुनने की कोशिश करो मौसी। तुम्हारी आवाज ना कोई सुन सकता है, ना कोई तुझे देख सकता है। यही तो अफसोस है। शीला जी, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई। किस काम से? मिस्टर राजा ने कहा है कि उन्हें प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज चाहिए। नहीं, इससे अविनाश के कातिल को पकड़ने में आसानी होगी। झूठ बोल रही है, सफेद झूठ है। एक बार फिर से झूठ बोल रही है ये। माफ करना, मैं राजा के सिवाय इन कागजातों को किसी और को नहीं दे सकती। यस, ये बिल्कुल ठीक बात है मौसी। इसी राह पर चलना, वरना ऐसे लोग तो लूट खाएंगे, है ना? शीला जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं इस केस में राजा जी को अपना पूरा कोऑपरेशन दे रही हूँ। चित्रा, मैं एक बार कह चुकी हूँ, मैं राजा के सिवाय इन कागजातों को किसी और को नहीं दे सकती। वेरी गुड मौसी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अनजान आदमी से बात कर रही है। हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे शीला ने तो मुझे वो दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। कहती है कि राजा को छोड़कर वो किसी और को दस्तावेज नहीं देगी। और राजा को तुमने धोखे से मार दिया। हाँ, अब मुझे भी लगता है कि उन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए वही एक आखिरी तरकीब बची है। क्या तरकीब बची है? बहुत जल्दी मुझे पता चल जाएगी। फिलहाल हमें इसके पीछे साए की तरह लगे रहना होगा। ओके, या आई अंडरस्टैंड। या चलो,
शीला जी, तुम फिर यहां क्यों आ गई? तुम्हें कहा था ना कि वो कागजात मैं तुम्हें नहीं दूंगी। शीला जी, आप मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें पता है ना कि मेरे करोड़ों के जायदाद के वो पेपर्स हैं। मैं जब भी दूंगी सिर्फ राजा को ही दूंगी। तुम राजा को क्यों यहाँ नहीं भेजती? हाँ, क्यों? अब कहाँ से लाएगी राजा को? अरे पहले तो धोखा देकर उसे मार दिया गोली से, और अब करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात हासिल करने के लिए क्या करेगी? कहाँ से लाएगी राजा को? बोल। अरे राजा। नमस्ते शीला मौसी। नमस्ते। अरे राजा, कहाँ थे तुम अब तक? क्या कहूँ शीला मौसी, उस कातिल को ढूंढने में लगा था। ये कौन आ गया राजा बनकर? ये तो खूब हुआ आप जैसा दिखता है। हाँ, अब उस कातिल को पकड़ने के लिए मुझे प्रकृति के असली कागजात चाहिए। अभी देखते हैं। कागजात इस बदमाश के हाथ में मत देना, वरना ये तो कुछ का कुछ कर देगा, सत्यानाश कर देगा। ये शीला मौसी, ये असली राजा नहीं है। असली राजा मैं हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। ये देखो आत्मस्वरूप शीला मौसी। मनुष्य, रोक रोक कर रहे हो? ना तुम्हें कोई देख सकता है, ना तुम्हारी वाणी कोई सुन सकता है। अविनाश का कातिल पकड़ा गया। अरे मौसी, उसका मुखौटा उतारे बिना दम नहीं ले सकता। अरे मुखौटा तो मैं हटाऊंगा तेरे चेहरे से। एक बार मेरी आत्मा को मिलने दे मेरे शरीर से, फिर देख जालिम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शीला मासी, अब मैं चलता हूँ। बहुत सारे जरूरी काम निपटाने हैं ना। हाँ, अच्छा आओ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। चित्रा, शीला मौसी मुझे राजा समझ रही है। पुलिस वाले भी मुझे राजा समझ रहे हैं। यहाँ तक कि सारी दुनिया मुझे राजा समझ रही है। लेकिन मैं तुम्हें राजा नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ कि तुम असली राजा नहीं, असली राजा मैं हूँ। चित्रा, मेरा 50% का पार्टनर अविनाश मर चुका है। अब करोड़ों रुपए की संपत्ति का मैं अकेला मालिक हूँ, और ऊपर से राजा बनकर मेरे पास जितने भी केसेस आएंगे, मैं उनको सुलझाने की बजाय उलझाकर अपना उल्लू सीधा करता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हमें राजा की लाश को ढूंढना होगा। हाँ जरूर, क्योंकि किसी और को वो लाश अगर मिल गई तो उसे मेरे राजा होने पर शक होने लगेगा। हाँ। ठीक है, नहीं, मैं भी टाउन हॉल पहुंच जाता हूं, बरगद के पेड़ के पीछे। किसका फोन था? नाम नहीं बताया। फिर क्या बोला? बोला कि उसके पास राजा की लाश है। क्या? राजा की लाश? हाँ, मतलब मेरी लाश, मतलब मेरा मृत शरीर। इसका मतलब मैं अपने मृत शरीर में जल्दी प्रवेश करने वाला हूँ। चलो चित्रा, आओ यमदूत भाई, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। हाँ, यही वो जगह है जहाँ मेरी लाश के लिए उस आदमी ने नकली राजा को बुलाया। मनुष्य, हाँ, तुम अपना मृत शरीर देखते ही उसमें प्रवेश कर जाना, क्षण भर की भी देरी नहीं करना। अरे पहले मेरा मृत शरीर लाने तो दो। वो देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। बुरा बुराइयां हर करे कभी ना आए बाज। ये आया तो नहीं आने वाला अभी तक चित्रा? काफी टाइम हो गया। आने दो, इन्हें लेने के देने ना पड़ जाए तो मेरा नाम लिखा जाए। हेलो मिस्टर राजा। हाउ आर यू?
तुम? हाँ मैं रमेश, करोड़ों की इस प्रॉपर्टी का मैनेजर। मिस्टर राजा, इतने साल तक मैंने उस प्रॉपर्टी की हिफाजत की, लेकिन तुम्हारी शीला मौसी ने उसमें से मुझे जरा सा भी हिस्सा नहीं दिया। मिस्टर नकली राजा, अविनाश का खून हो चुका है और राजा भी मारा जा चुका है, जिसकी लाश मेरे कब्जे में है। यदि वो लाश उजागर हो जाती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम असली नहीं बल्कि नकली राजा हो। तुम्हारी असलियत क्या है? तो तुम असलियत जानते हो मेरी? बहुत अच्छे तरीके से। देखो जरा गौर से, तुम्हारी दाईं कलाई पर एक कटे का निशान है, जो बचपन में साइकिल चलाते हुए तुम्हें लग गया था। मैं तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धाम, तुम्हारा काम और तुम्हारा असली चेहरा सब कुछ जानता हूं। बहुत कुछ जानता है ये मेरे बारे में। ज्यादा जानना ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल ये बताओ कि तुम इस राज को राज बनाए रखने के लिए क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस करोड़ों की संपत्ति में आधे की हिस्सेदारी। ठीक है, कोई बात नहीं, दिया। हाँ, मुझे मालूम था कि तुम जरूर हाँ करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। नहीं, ये अच्छा, खैर जाने दो, लड़ाई करने से क्या फायदा। अजगर करे न चाकरी, तुम मुझे ये बताओ कि राजा की लाश कहाँ है? रामानंद वैद्य के पास। रामानंद वैद्य? सुना यमदूत भाई, रामानंद वैद्य के यहाँ जाना है।